दोस्तों नवंबर महीने के अंत में कई फाइनेंशियल डेटा आए, वो आपको क्या बताते हैं। हमने जीडीपी डेटा देखे, बढ़िया आए, यूएस के इंडिया के दोनों के। हमने इन्फ्लेशन देखा था पिछले महीने, थोड़ा हल्का होके आया है। अब दोस्तों जीएसटी डेटा पेश हो चुके हैं। जीएसटी डेटा क्या कहते हैं दोस्तों? अगर जीडीपी आपका यह कहता है कि 7% इंडिया का ग्रोथ है, बेशक बढ़िया ग्रोथ है, पर जीएसटी प्रॉपर वे में दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड एक मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी जो कंपनियां होती है लिस्टेड कंपनियां, उनका ज्यादातर कंसर्न जीडीपी से ज्यादा जीएसटी से होता है, क्योंकि आपकी लिस्टेड कंपनियां ऑर्गेनाइज मार्केट का एक पार्ट है। तो जीएसटी डेटा कैसे है? क्या ये जीएसटी डेटा और जीडीपी के डेटा बाजार जो 18600 पे आ चुका है पिछले साल के हाई पे, उससे ऊपर ले जाने में मदद करेगा कि नहीं? तो दोस्तों नवंबर का कलेक्शन जीएसटी का धमाकेदार 1.46 लाख करोड़ का हुआ है, जो कि 11% प्लस है पिछले साल के मुकाबले। दोस्तों ये नौवां महीना इन द रो हुआ 1,40,000 करोड़ प्लस जीएसटी आने के। ग्रेट दोस्तों, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने एक भी वीक मंथ नहीं देखा जो पिछले साल के मुकाबले डीग्रोथ में हो। कुल मिलाए टोटल 8 महीने 26% का शानदार ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन का है। जीडीपी 6 महीने का 9.7, जीएसटी 8 महीने का 26%। ये क्या बताता है? होगी दुनिया मंदी में, होगा डिमांड लो, इंडिया में कोई डिमांड में कमी नहीं है, इसीलिए भले दुनिया भर के मार्केट अफेक्टेड है, आपका भारतीय बाजार वापस लाइफ टाइम हाई पे 100% रिट्रेस होके दोस्तों आ चुका है। पहला ईयर ऑन ईयर नवंबर का ग्रोथ, पिछले साल 1,30,000 करोड़ के सामने इस बार 1,46,000 करोड़, सीधा 11% का ग्रोथ आपको रिफ्लेक्ट करता है, जो कि शानदार ग्रोथ है। दोस्तों जब हम ग्रोथ देखते हैं तो ग्रोथ को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। एक अभी जैसा हमने कंपेयर किया लास्ट ईयर नवंबर, दिस ईयर नवंबर, ग्रोथ कितना आया 11%, राइट? ये ईयर ऑन ईयर आपका मंथली ग्रोथ हुआ। इसके अलावा खाली नवंबर टू नवंबर कंपेयर करके प्रॉपर सिनेरियो पता नहीं चल सकता है, क्योंकि नवंबर तो एक महीना है, ये साल में कितने महीने बीत चुके हैं? 8 महीने साल के बीत चुके हैं। तो पूरे 8 महीने को इस साल के 8 महीने से कंपेयर करें तो मैंने कितना ग्रोथ बताया? 26%। जीएसटी को इसी प्रकार से अगर आप कंपेयर करो, जीएसटी के मंथ ऑन मंथ डेटा नहीं आते हैं, तो जीएसटी के आपके पास 2 क्वार्टर के डेटा है, तो पिछले 6 महीने ये 6 महीने कंपेयर अगर टोटल करो तो कितना हुआ? 9.7% ग्रोथ, दोनों शानदार। तीसरा जो कंपैरिजन होता है वो होता है दोस्तों मंथ ऑन मंथ, कि हर महीना क्या ग्रोथ हो रहा है। अब दोस्तों मंथ ऑन मंथ ग्रोथ किसका देखा जाता है? मंथ ऑन मंथ ग्रोथ वो सेक्टर का या वो कंपनी का देखा जाता है जो इमर्जिंग है, जो हर महीना एक्सपांड कर रहे, हर महीना अपनी टीम साइज बढ़ा रहे, हर महीना अपना रीजन बढ़ा रहे। तो जो नई कंपनियां होती है उनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी देखा जाता है, ताकि हमें पता चले कि तुम हर महीने ग्रोथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पर जब आपके मैच्योर सेक्टर की बात आए तो मंथ ऑन मंथ देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ में दोस्तों सीजनल इफेक्ट आ जाती है, राइट? सीजनल इफेक्ट यानी कुछ कंपनियां मनसून में बढ़िया होती है, कुछ कंपनियां दिवाली में हिट होती है, कुछ कंपनियां दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन में लो होती है। तो अगर हम मंथ ऑन मंथ गिनेंगे तो वो हमें गलत इंटीमेट कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मंथ ऑन मंथ खाली किसमें देखने का? इमर्जिंग, जैसे स्टार्टअप, नई कंपनियों में प्रगति देखने के लिए। मैच्योर कंपनीज, मैच्योर सेक्टर, या जब आप कंट्री का जीडीपी देखते हो तो मंथ ऑन मंथ देख के कोई मतलब नहीं है। मंथ ऑन मंथ फिर भी अगर हम देखें दोस्तों, अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 4% कम जीएसटी आया है, तो जैसा मैंने बताया ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करें ग्रोथ, क्वार्टर वन में पिछले साल के मुकाबले ये क्वार्टर में 37% का ग्रोथ था। अब ये इसलिए भी था क्योंकि पिछले साल वेव टू कोविड था, तो लो बेस की वजह से ग्रोथ आपका तगड़ा 37% दिखता है, तो चलो वो जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों क्वार्टर टू में भी ग्रोथ आपका 26% का आया, ये बढ़िया है। अब ये क्वार्टर तो अभी पूरा नहीं हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो 2 महीने हुए, ये 2 महीने का भी ग्रोथ 14% का है, तो कुल मिला के 26% का दोस्तों आपका ये 8 महीने का ग्रोथ हुआ, जो शानदार है, राइट? तो गाड़ी किधर की ओर जा रही है दोस्तों? 15% प्लस का तो ग्रोथ अपन साल का देखने वाले हैं, राइट? दोस्तों जीएसटी में कंट्रीब्यूशन हर एक का होता है, इंडिविजुअल का होता है, स्टेट का होता है, पूरे देश का होता है। तो अपने देश में अगर हम कह रहे कि 26% का ग्रोथ आया, तो उसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन है? कौन से स्टेट तगड़ा काम कर रहे हैं, जिस जो जीएसटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है? दोस्तों सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी को एक तरफ रखे, टॉप 5 स्टेट्स 53% जीएसटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो टॉप 5 स्टेट इज इक्वल टू 53%, ऑल अदर्स इज इक्वल टू 47%। तो ये टॉप 5 के नाम भी आपको जानने होंगे। नंबर 1 कौन है दोस्तों, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, विच इज टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर स्टेट? नंबर 1 इज योर महाराष्ट्र, 20% जीएसटी में दोस्तों महाराष्ट्र का कॉन्ट्रीब्यूशन है। नंबर 2 कौन? कर्नाटका, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन होगा? गुजरात, 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन। चौथे नंबर पे कौन? तमिलनाडु, 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन। और पांचवा नंबर कौन होगा? चलो बताओ, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जरा दिमाग लगाओ, अंदाजा लगाओ, हु वुड बी द कॉन्ट्रीब्यूटर, टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर, पांचवा कॉन्ट्रीब्यूटर, हाँ कौन सा?
उत्तर प्रदेश, योर यूपी इज फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीएसटी। तो ये थे सब कंट्रीब्यूटर दोस्तों जीएसटी के, और जैसा मैंने बताया ऑल डेटाज आर गुड जो भी अभी हमको मंथ एंड में मिले हैं दोस्तों। इनके आधार पे जरूर उम्मीद करेंगे बाजार बढ़िया रह सकता है आने वाले पूरे साल। तो दोस्तों अब तक के जो हमने भारत के डेटा देखे हैं ये काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ये डेटा दोस्तों आपकी कंपनियों की अर्निंग बढ़ाते हैं और ये बाजार को जबरदस्त रैली दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विल सी अगेन विद मोर डेटा।